हरिओम फ्रेंड्स, आज हम साईं बाबा जी के लिए इस तरह की कैप बना कर लाए हैं। देखिए ये कैप इस तरह से है कुछ, ये देखिए ये बाबा जी को हम इस तरह से पहनाएंगे। देखिए तो इस तरह की कैप बनाने बताएंगे हम आपको आज। तो ये देखिए, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए मैंने इस तरह से एक नोट बना लिया है और इसमें हम चार चैन डालेंगे। चार चैन डालने के बाद फर्स्ट वाले चैन में जाएंगे और इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से अब हमारे पास जो ये होल आया है, ये देखिए ये जो होल बना है, ये देखिए अब इस होल को और इस धागे को अच्छे से पकड़ लेंगे और यहाँ पर ये देखिए दो इस तरह से चैन लेंगे और ये देखिए इस जो हमारा ये होल बना है इसके अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम 10 बार, इसमें हमने डबल 12 बार किया है तो 12 बार डबल क्रोशिया करके ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखिए दोबारा से दो चैन ली हमने और ये जो हमारे ये साथ में लूप बना है इसके अंदर ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम ये देखिए जो हमारे ये सभी होल्स आए हैं इनके अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया करते आएंगे। ये देखिए एक, दो। फिर हमने अगले नेक्स्ट होल में दोबारा से दो बार करनी है इस तरह से। तरह से करते हुए ये देखिए अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं और अब ये देखिए हमारी चैन आ गई है, चैन वाला स्टिच आ गया है। तो इसके हम ऊपर चैन के साथ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अगर आपके बाबा जी का सर बड़ा हो तो आप 12 चैन की जगह 14 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं इस तरह से। जैसा अगर सिर बड़ा हो तो ज़्यादा चैन भी ले सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पर देखिए दो चैन ली हमने। अब हम ये देखिए एक होल को छोड़कर नेक्स्ट होल में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए बड़ा होल छोड़ेंगे हम अगले होल में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब हम ये देखिए चैन वाले स्टिच के पास पहुंच गए हैं तो अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये कैप हमारी कुछ इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब ये जो हमारे चैन स्टिच आए हैं, देखिए एक चैन ली हमने, हर चैन स्टिच के अंदर इस तरह से ये देखिए इस तरह से धागा निकालते आएंगे। दोबारा देखिए कि चैन स्टिच में डाला, धागा लिया और फिर इसको इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम अगले चैन स्टिच में गए, ये देखिए इस तरह से धागा भी ले सकते हैं, चाहे धागा लेके भी कर सकते हैं। देखिए एक बार अगर धागा लेंगे तो शुरू से भी कर धागा लेकर चलेंगे। ये देखिए इस तरह से लिया धागा, ये देखिए इस तरह से ये हमारे तीन हो गए, इसको एक कर देंगे। फिर इसी तरह से सभी लूप में इस तरह से तीन बनाकर एक करते जाएंगे। ये देखिए ये सभी चैनों में इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप बनकर रेडी है। तो अब हम इसको बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः इस तरह से बनाने के बाद हम ये देखिए ये जो हमारा पोंचू का लास्ट वाला सिरा है उसमें इस तरह से मिलाकर
इसको इस धागे से लगा लेंगे और अटैच कर देंगे। और देखिए ये टोपी हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए ये हमारी बड़ी कैप बनी है। और देखिए ये हमने 10 चैन से बनाई थी और ये हमने 12 चैन से बनाई है। तो ये वाली कैप हमारे बाबा जी को बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह से। अगर आप चाहें तो ये लास्ट वाली रो दे सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं भी दे सकती। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।